लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होने वाला है और इसको लेकर सारी पार्टियां पूरा दम भर रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर जहां बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं और नामांकन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस होकर 4-3 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है। अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल मैदान में है और आज वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। काफ़ी उत्साह है जो कार्यकर्ता हैं उनमें, मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है या लोकसभा चुनाव है वो कितना रोमांचित होने वाला है, क्योंकि बीजेपी सातों लोकसभा सीटों में 2014 से लेकर 19 में पूरे बहुमत से जीती थी, लेकिन इस बार 4-3 का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप, किस नजर से देखते हैं इस बार इस चुनाव? ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है, कांग्रेस की भारी बहुमतों से जीत होने वाली है। लोग बाग जयप्रकाश अग्रवाल जी को बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, जो लोग बाग अब अपने वोटों के वोट देकर उनको जिताकर ये साबित करके दिखाएंगे कि जयप्रकाश अग्रवाल जी बहुत कद्दावर नेता है। चांदनी चौक के बहुत कद्दावर नेता है, कार्यकर्ताओं का ये कहना है। 400 पार बीजेपी की तरफ से नारा, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी 200 भी पार हो जाए तो उनको खुशी मनानी चाहिए। ये तो इनको पता नहीं किस भ्रम में हैं, ये ईवीएम के भ्रम में हैं या कुछ और भ्रम है इनको, वो भ्रम इनका जल्दी टूट जाएगा। 4 जून के बाद उनको पता लग जाएगा कि कितने पार, आर पार या 400 पार। अरविंदर लवली जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे कमेटी के, उन्होंने नाराज़गी अपनी जाहिर की, देवेंद्र यादव को बनाया गया, किस नज़र से देखते हैं, क्या पार्टी में चल रहा है कुछ? नहीं, अरविंद जी की तबीयत खराब चल रही है, आपको पता उनकी किडनियाँ ख़राब हैं, तो किडनी ख़राब की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है। तो अब देवेंद्र भाई आए हैं, वो अच्छा काम करेंगे, और जयप्रकाश अग्रवाल जी तो वो हमारे जीते हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ बीजेपी को 180 सीट से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, और कांग्रेस जो है 350 पार करेगी। कांग्रेस करेगी 350 पार? 100% 400 पार करेगी, बल्कि ये झूमले नहीं छोड़े जाते कि यहाँ पे ये जनेऊ उतार दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा सिखों साथ, ये कर दिया जाएगा मुसलमान साथ, ये कर दिया जाएगा, झूमले मत छोड़ो। पीएम को बात करनी चाहिए, पीएम वाली बात, वो पीएम इंडिया का है, वो ना कि एक पार्टी का है। हाँ, अपने विचार रखे, अपने काम बताए, अपना मैनिफेस्टो बताए, हम क्या करेंगे 5 साल में, उस बारे में कोई बात नहीं है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, यही बातें हो रही हैं, उससे उनको नुकसान हो रहा है और उनका वोट कम हो रहा है उससे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। नुकसान हो रहा है, लेकिन जेपी अग्रवाल जी ये कहा जाता है कि काफ़ी कद्दावर नेता है, राजनीति में पुराने हैं और उन्हें पूरी जानकारी है, तो प्रवीण खंडेलवाल और जेपी नड्डा में क्या कॉम्पिटिशन देखते हैं आप? मैं कह रहा हूँ जयप्रकाश अग्रवाल जी चांदनी चौक से भारी बहुमत से जीतेंगे, और उन्हें 10वीं लोकसभा का चुनाव का टिकट मिला है और चांदनी चौक उन्हें बहुत प्यार करता है, और भारी बहुमत से चांदनी चौक में विजयी होंगे, और वो घर घर से वाकिफ़ हैं, हर एक का मान सम्मान करते हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से, और वो जीतेंगे। तो जीतेंगे, लेकिन आप इससे पहले मेरे पीछे देख सकते हैं जेपी अग्रवाल जी का जो काफिला है वो यहाँ से चल पड़ा है, अलीपुर में वो अपना जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे, अपने घर से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की है, और सबसे पहले उन्होंने घर में ही पूजा अर्चना की, और उसके बाद ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत एक तरीके से करते हुए, माला वाला उन्हें पहनाई जा रही है, यहाँ से इनका कारवां चलेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता शामिल हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में अलायंस होकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो दिलचस्प काफ़ी माना जा रहा है, क्योंकि चांदनी चौक दिल्ली की एक ऐसी सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रवीण खंडेलवाल जहां बीजेपी से हैं तो वहीं जेपी अग्रवाल कांग्रेस इंडी अलायंस से हैं, ऐसे में ये भी काफ़ी रोमांचित हो जाता है कि ये चुनाव आखिर किस ओर जाएगा। बीजेपी जहां दम भर रही है कि भाई इस बार तो चुनाव जीत के रहेंगे, 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, उनकी तरफ से भी यही नारा है कि 7 सीटों पर अलायंस की जीत होगी, लेकिन ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन बाजी मारता है, क्या इंडिया अलायंस जीतती है या फिर बीजेपी का जो नारा है 400 पार का वो सफल होता है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।